हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं आईपीएल का मैच नंबर सेकेंड, जो कि है पंजाब किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। पहला मैच हो गया, अब है दूसरा मैच, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच। और इस वीडियो के अंदर जैसा पहले मैच में मैंने आपको काफ़ी क्वालिटी चीज़ें बताई, कट टू कट मैं बात करता हूँ वीडियो में। कभी भी आपने देखा होगा वीडियो में कोई भी ऐसी टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ या कोई बेसिक चीज़ नहीं बताता हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताता हूँ जो आपके काम में आए। शुरू करते हैं हम प्रीव्यू को सेकंड मैच के। उसके पहले एक कमाल की चीज़ है आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। एक गाइस विजन 11 फैंटेसी एप्लीकेशन जो है, वैसे तो मैक्सिमम सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, जिसने नहीं किया हो तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है, और उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है जिसने करा तो है लेकिन KYC नहीं करी है, यानी पैन कार्ड ईमेल नहीं डाला है, उनके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आप यहां पर विजन 11 को करो डाउनलोड। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। विजन 11 को करो डाउनलोड, साइन अप करो उसके ऊपर। न्यू यूज़र्स को यहां पर आईपीएल के टाइम पर फ्री में 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, और ये पूरा रियल कैश है, कोई बोनस नहीं है जो आपका एक एक पैसा दो दो रुपये करके यूज़ होगा। ये 100 रुपीज़ रियल कैश मिल रहा है, तो साइन अप करो। साइन अप जब करते हो तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है एंटर कोड। एंटर कोड में आपको गाइस डालना है BFTIPS, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कोड आप डालोगे तो 500 का तो आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा, प्लस 100 रुपीज़ रियल कैश आपको मिलेगा। तो जिसको भी ट्राई करना हो या आप अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी बताना चाहो तो बता सकते हो, फ्री में 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, खेल के देख लो क्या ही हो रहा है। चलते हैं प्रीव्यू के ऊपर। ये वाला गाइस जो मैच है, कहाँ पर है ये? महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर चंडीगढ़ के अंदर ये मैच होने वाला है। बात करेंगे अभी दोनों टीम की, आपस में जितनी बार भी खेला है, टोटल 32 बार खेल चुके हैं। 16-16 का इक्वल जो है यहाँ पर टक्कर है। 16 मैच पंजाब ने जीते हैं, 16 मैच DC ने जीते हैं, इक्वल टक्कर है बिल्कुल। हालांकि लास्ट कुछ मैचेस में देखें तो 4-3 का फासला है दोनों के बीच में, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब और दिल्ली जब खेली हैं तो बराबर के मैचेस जीती हैं। आगे बढ़ते हैं वेन्यू के ऊपर। ये गाइस जो वेन्यू है ना, इसको अभी परमिशन मिली है रिसेंटली BCCI से कि आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर ये जो है ना इनॉग्रल मैच होगा, एक पहली बार इंटरनेशनल मैच। अभी तक यहाँ पर डोमेस्टिक मैच हुए हैं कुछ, उनका आगे बताऊँगा। तो ये फ्रेश वेन्यू होगा, फ्रेश पिच होगी। अगर हम डोमेस्टिक के हिसाब से देखेंगे तो आप लोगों को इनसाइट के लिए मैं बता दूं, 148 एवरेज स्कोरिंग है यहाँ पर। फर्स्ट बैटिंग फ्रेंडली है, 60-40 का मार्जिन है। 60% मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम यहाँ पर जीतती है, 40% चेजिंग टीम जीतती है। बात करेंगे पेसर्स और स्पिनर्स के बीच के फासले की, तो पेसर्स को यहाँ पर 143 विकेट मिले हैं अभी तक, और स्पिनर्स को 134 विकेट मिले हैं जो भी डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं। तो कुछ खास फासला तो है नहीं, दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, बिकॉज कैसी होगी क्या होगी पिच ये तो हमको उसी वक्त पता चलेगा, क्योंकि इनॉग्रल मैच है इस वेन्यू के ऊपर। दोनों टीम का स्क्वाड अपने सामने देख सकते हो, स्क्वाड पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लेयर्स का फॉर्म भी आजकल हर फैंटेसी एप्लीकेशन बता देता है, कौन स्पिनर है, कौन राइट हैंडर है, कौन फास्ट बॉलर है, सब बता देते हैं। तो इस चीज़ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं गाइज हम हमारे हेड टू हेड के ऊपर, यानी दोनों टीम्स ने जब आपस में खेला है तो प्लेयर्स ने क्या किया है, कैसे किया है। शुरू करेंगे गाइज हम पंजाब के प्लेयर्स ने दिल्ली के सामने क्या किया है अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें। तो आप देखोगे शिखर धवन ने 19 मैच में 557 रन्स किए हुए हैं, 3 हाफ सेंचुरीज भी हैं, 3 बार 50s की हुई हैं। अथर्व टाइडे एक मैच खेला है अगेंस्ट दिल्ली, कितने रन्स किए हुए हैं, 55 रन। लियाम लिविंगस्टन ने 6 मैच खेले हैं दिल्ली के सामने, 118 रन किए, 3 विकेट लिए, एक इनकी 50 है और एक हैट्रिक है, यानी 3 विकेट लिए हुए हैं एक मैच के अंदर। हर्षल पटेल 10 मैच में 9 विकेट हैं, एक बार 3 विकेट लिए थे, एक हैट्रिक है इनकी। कजीसो रबाडा 3 मैच में 1 विकेट है दिल्ली के सामने। राहुल चेयर 9 मैच में 8 विकेट है, एक मैच में हैट्रिक है। अर्शदीप सिंह 6 मैच में 4 विकेट है, एक मैच में हैट्रिक है। प्रभ सिमरन सिंह 3 मैच में 137 रन है, उसमें से एक तो इनकी सेंचुरी है, जी हाँ सेंचुरी है एक। जॉनी बैरिस्टो अगेंस्ट दिल्ली 6 मैच में 217 रन है, एक बार 50 किया था, हाफ सेंचुरी। जितेश शर्मा के 4 मैच में 81 रन है। क्रिस वॉक्स के 3 मैच में 1 विकेट है। ऋषि धवन का 6 मैच में 1 विकेट है। सैम करन 7 मैच में 86 रन है, प्लस 8 विकेट है। बैटिंग से तो कुछ खास है नहीं, 7 मैच में 8 विकेट है, एक मैच में 3 विकेट लिए हुए थे। सिकंदर रजा 1 मैच में 11 रन है अगेंस्ट DC। हरप्रीत बार 5 मैच में 5 विकेट है। नेथन एलिस 3 मैच में 2 विकेट है। बाकी गाइस इन प्लेयर्स ने कभी भी DC के सामने खेला नहीं है पंजाब की तरफ से।
आगे चलते हैं हम, दिल्ली के प्लेयर्स पंजाब के सामने कैसा करते हैं। तो देखो, डेविड वॉर्नर 25 मैच में 1105 रन है, 13 बार बंदे ने हाफ सेंचुरी की हुई है, 13 फिफ्टीज़ हैं। पृथ्वी शॉ 9 मैच में 213 रन है, 150 है अगेंस्ट पंजाब। मिचेल मार्श 5 मैच में 58 रन है, 2 विकेट है और 150 इनकी भी है अगेंस्ट पंजाब। ललित यादव 4 मैच में 36 रन है और 2 विकेट है। अक्षर पटेल 8 मैच में 25 रन है, 11 विकेट है। कुलदीप यादव के 8 मैच में 8 विकेट है पंजाब के सामने। खलील अहमद के 9 मैच में 11 विकेट हैं, 2 बार बंदे ने हैट्रिक लिए। ऋषभ पंत 13 मैच में 182 रन है अगेंस्ट पंजाब। एंड्रेट नॉर्जे की बात करें, 3 मैच में 3 विकेट हैं। ईशांत शर्मा 13 मैच में 9 विकेट हैं अगेंस्ट पंजाब। मुकेश कुमार के 2 मैच में 1 विकेट है। प्रवीण दुबे 1 मैच में 16 रन है, 1 विकेट है। मैं आपको सब प्लेयर्स का इसलिए बता देता हूँ कि अगर कोई प्लेयर लाइनअप में हो तो आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े उसका रिकॉर्ड ढूंढने। बाकी कैसे इन प्लेयर्स ने कभी भी जो है पंजाब के सामने खेला नहीं है डीसी की तरफ से। आगे चलते हैं कैसे हम इस वेन्यू के ऊपर। तो इस वेन्यू के ऊपर डोमेस्टिक का मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बाकी तो कोई मैच खेले नहीं है यहाँ पर प्लेयर्स ने, क्योंकि वेन्यू ही फ्रेश है, जो ग्राउंड है वही फ्रेश है। लेकिन जो डोमेस्टिक हुए तो कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर डोमेस्टिक खेला है, देख सकते हो। अथर्व टाइडे के यहाँ पर पंजाब किंग्स की तरफ से 3 मैच में, मतलब पंजाब किंग का जो प्लेयर है उसका, अथर्व टाइडे का 3 मैच में 141 रन है, एक हाफ सेंचुरी भी है। राहुल चेहर 1 मैच में 1 विकेट है। जितेश शर्मा 3 मैच में 68 रन है, एक हाफ सेंचुरी भी है। विद्वत कवीरप्पा 3 मैच में 7 विकेट है। एक तो इनका फीफर है, यानी एक मैच में तो इन्होंने 5 विकेट लिए हुए हैं डोमेस्टिक में। वाई गाइज इन प्लेयर्स ने कभी खेला नहीं यहाँ पर। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर खेला है। यश धुल 1 मैच में 43 रन है। ललित यादव 1 मैच में 2 विकेट है। खलील अहमद 1 मैच में 1 विकेट है। सुमित कुमार 4 मैच में 3 विकेट है प्लस 93 रन है। अभिषेक पोरेल 2 मैच में 91 रन है, एक हाफ सेंचुरी है बंदे की यहाँ पर। कुमार कुशाग्र के 2 मैच में 48 रन है। विक्की ओसवाल के 4 मैच में 3 विकेट हैं यहाँ पर। भाई गाइस इन्होंने कभी खेला नहीं है इस वेन्यू के ऊपर। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, सबसे पहले हमारी फैंटेसी टीम क्या रहेगी इस मैच में उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी के लिए जो मैंने फैंटेसी टीम फाइनल की है वो ये है। हाँ, इसमें विकेट कीपर में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने प्रभ सिमरन सिंह को लिया हुआ है। ऋषभ पंत, शाही होप, ये सब भी अच्छे चॉइस होंगे, लेकिन अभी मैंने प्रभ सिमरन सिंह को लिया हुआ है। फाइनल चेंजेस कुछ करूंगा टीम के अंदर, लेकिन अभी के लिए जो मेरी टीम है आप इसको सेव करके रख सकते हो। और इक्वल बैलेंस वाली टीम है, आप देख सकते हो। शिखर धवन बैटिंग सेक्शन में है, जॉनी बेयरस्टो, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श को लिया है, सैम करन को लिया, लियाम लिविंगस्टन को लिया है। फिर नीचे आ जाओ तो बॉलर्स में मैंने हरप्रीत बार और अर्शदीप सिंह को लिया हुआ है, एक पेसर एक स्पिनर। यहाँ पर कुलदीप यादव और खलील अहमद को मैंने लिया हुआ है। कैप्टनसी मैंने दी है सैम करन को, लेफ्ट आर्म पेसर है भाई, किसी भी वेन्यू पे सूटेबल रहेगा, विकेट निकाल सकता है। और लिविंगस्टन जो है बॉलिंग से कर सकता है, बैटिंग से कर सकता है, दोनों से करके दे सकता है अगर टॉप ऑर्डर आउट होता है जल्दी तो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है, आप इसको सेव करके रख सकते हो। कुछ कैप्टन वाइस कैप्टनसी पिक्स आपको बता देता हूँ। देखो, स्मॉल लीग के कॉमन जो दिखेंगे आपको और जिनको आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ायदे में ही रहोगे। जो आपको कॉमन दिख सकते हैं और जो डिजर्विंग भी हैं उनके नाम बता देता हूँ। शिखर धवन पहला नाम, लियाम लिविंगस्टन कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे आपको, अक्षर पटेल मिलेंगे, सैम करन मिलेंगे, अर्शदीप सिंह मिलेंगे और डेविड वॉर्नर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपको कैप्टन वाइस कैप्टन देखने मिलेंगे अपने ओपोनेंट्स के, क्योंकि देखो आईपीएल है, यहाँ पर कोई एक फिक्स सेट नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन का, इसलिए आईपीएल में लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक का। इसलिए मैं समझाता हूँ कि भाई बिल्कुल भी हाइप मत किया करो आईपीएल को, चैनल्स हाइप करेंगे, जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना उनका कमीशन बनेगा। और यही 2 महीने वो काम करते हैं, बाकी 10 महीने बैठ के खाते हैं, ऑलमोस्ट करोड़ों रुपया महीने का उड़ाते हैं, है ना। तो वो सारा पैसा यहीं से बनता है, यहीं से, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ हाइप नहीं किया करो आईपीएल मैचेस को भाई, फैंटेसी के लिए स्मॉल लीग के लिए इतने अच्छे मैचेस नहीं हैं। हाँ, हम थोड़ा बहुत खेल सकते हैं लाइटली, और इनके साथ जो अदर मैचेस मैं कवर करता हूँ ना उन पे भी फोकस कर सकते हैं, तो ताकि अगर यहाँ पर लॉस होना तो वहाँ से निकाल लो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लूटो जितनी लूटनी है ग्रैंड लीग, है ना। अब ये तो हो गए कॉमन, आप बनाओ, मैं भी बना सकता हूँ इनमें से कोई भी बनाओ, स्मॉल लीग में बनाओ, ये साइड प्लेयर्स का है। उसके बाद ग्रैंड लीग में मेरे कहने पर अगर ये प्लेयर्स खेलते हैं तो बनाओ अथर्व टाइडे को, बनाओ खलील अहमद को, बनाओ कुलदीप यादव को, बनाओ और शाही होप को बनाओ। ये 4 नाम मैं आपको दे रहा हूँ ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के, मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम पॉइंट्स की बात है तो इन 4 में से आपको दे सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट और डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं बेसिक और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ।
देखो स्टार्टिंग में बताऊंगा, स्टार्टिंग के मैचेस आईपीएल के कैसे होते हैं, बहुत बेसिक स्टार्टिंग क्या पूरे ही आईपीएल है, बेसिक कॉम्बिनेशंस जीतते हैं, हमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग के चक्कर में ही लॉस होता है। ग्रैंड लीग्स में बता रहा हूँ, अलग के चक्कर में ही लॉस होता है, हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ना कभी कभी, तो वो हो जाता है। आप बेसिक सोचो, हेड टू हेड देखो, वेन्यू देखो, रिकॉर्ड देखो, वेन्यू क्या कहता है, किसको मदद मिल सकती है, किसको नहीं, लास्ट मैच कौन अच्छा करके आ रहा है, कौन नहीं, ये सब देखना जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस हो, बहुत ज़्यादा अलग। और जब हम देखते हैं ना भाई, 1 करोड़ वाली टीम जो जीता है, 2 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, तो टीम सब होती है बेसिक, और वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने करा और सोच के चक्कर में हार जाते हैं, है ना, कि अरे ये नहीं आ रही है तो फ्लॉप हो जाएगी, तो ये सब नहीं। आप बिल्कुल ओपन, एक ब्रॉड माइंड सेट, मेरा एक सिंपल माइंड सेट है, टीम जब भी मैं स्मॉल लीग की बनाता हूँ ना, तो आपको यही माइंड सेट ग्रैंड लीग में भी यूज़ करना है, कि आपकी जो टीम बना रहे हो तो आपका माइंड सेट जो है ना, वो ब्रॉड माइंड सेट के साथ बनाओ, कि अगर मान लो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन भी फेल हो रहा है ना, तो यहाँ से कोई मुझे करके दे रहा है, तो ऐसी जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी एक ना एक कॉम्बिनेशन के हिट कर गए, तो आप ग्रैंड लीग आराम से जीत जाओगे। तो ये प्लेयर्स जो मैंने बताया इनको आप बनाओ। बाकी 50-50 रुपीज़ का गिव अवे इस वीडियो के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट करो इस वीडियो के नीचे, शिखर धवन, डेविड वार्नर इस मैच के अंदर कितने रन बनाएंगे। ऊपर लिखना है शिखर धवन, नीचे लिखना है डेविड वार्नर। शिखर धवन आपको कितना लग रहा है, 0, 2, 5, 10, 30, 50, 100 जितने सॉरी गाइस रन्स लिखो, और बस नीचे डेविड वार्नर के आगे लिखो आपको क्या लग रहा है वो कितने रन बनाएंगे। अगर किसी का दो आंसर सही नहीं हुए तो जिसका एक सही होगा हम उसको भी विनर बना देंगे। बस सिंपल चीज़ करनी है, जब आप दोनों के नाम लिखो, स्कोर लिखो, उसके नीचे हैशटैग ये तीन यूज़ कर लेना, इंस्टेंट फैंटेसी गिव अवे, और तीसरा है आईपीएल 2024, ये हैशटैग का यूज़ करो और बढ़िया से जो है इस मैच के अंदर विनिंग्स करो। कुछ पूछना हो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग से रिलेटेड पूछ सकते हो, बेफिक्र आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर, जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आती है मैं हाल के रिप्लाई देता हूँ लोगों का, कोई भी क्वेश्चन हो एक्स वाई सेट। बाकी का इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की भी, और ये विजन 11 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी ग्रैंड लीग खेल लिए माय मास्टर 11 बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वहाँ पर खेलो ग्रैंड लीग, है ना, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक मिल जाएगी आपको नीचे। लेकिन अगर वैसे ड्रीम 11 पे देखोगे तो आप 1 करोड़ 70 लाख लोग खेल रहे हैं एक लीग के अंदर, वो लीग मैच शुरू होने के 10 घंटे पहले भर जा रही है, यानी कंपटीशन क्या क्या ही बोलोगे, क्या ही है मतलब। तो आप सोच समझ के खेलो भाई, है ना, अपन को यार ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़पति बनो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन पे ना खेलो, है ना, कोई वो नहीं है, मुझे कौन सा कोई दूसरा एप्लीकेशन दे रहा है पैसे, लेकिन थोड़ा सा ये सोचो कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख लोगों में जीतना आसान होगा, या मैं 15,000 20,000 25,000 लोगों में खेल के 1-1 लाख का जो फर्स्ट प्राइज़ है उसकी उम्मीद रखूँ। किसकी उम्मीद रखना आपको आसान होगा, किसकी उम्मीद रखना आपके लिए नहीं, ये आपके ऊपर है फैसला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा 3rd मैच आईपीएल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।